मणिपुर की दुर्घटना जो है अभी तक धमकी भी दे रहे हैं कि हमारे लड़कियों को बलात्कार करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे अभी वो अटैक कर रहे हैं। 200 विलेजेस पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, कोई रिलीफ नहीं, कुछ नहीं। नमस्कार, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर है। दिल्ली के जंतर मंतर पर मणिपुर से मेतई कुकी कम्युनिटी के तमाम लोग आज यहां दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं। मणिपुर में दो कम्युनिटी के बीच लगातार एक लड़ाई चल रही है, कुकी और मेतई कम्युनिटी के बीच लगातार लड़ाई हो रही है, लेकिन सरकार और मीडिया के दृष्टिकोण से अब मणिपुर की स्थिति सामान्य हो गई है। लेकिन मणिपुर की स्थिति अभी भी वही हाल है मणिपुर में जो पहले हुआ करता था। कल की अगर हम बात करें तो कल भी कई ऐसे खबरें आई कि पुलिस प्रशासन के साथ भी हिंसा हुई। तो तमाम तरीके के सवाल हैं, तमाम तरीके के जवाब हैं। आज आप लोग यहाँ आए हैं, क्या मांगे हैं, किस मांग को लेकर आए हैं और मणिपुर की क्या स्थिति है वर्तमान में, आपसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता। हाँ, हम यहाँ क्यों आए हैं, अब आज 6 महीना पूरा कंप्लीट हो गया जो कुकी जो मार मिजो जोमी सब की जो अट्रोसिटी जो हमारे ऊपर जो हादसा हुआ है, जो लड़ाई हुआ जो उसका इसका पूरा एक 6 महीना हुई है। तो हमारा ह्यूमन राइट ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो हम नॉन नागा ट्राइबल के ऊपर जो हो रहा है उसके ही हम दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं। अभी तक हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं, कुछ नहीं। मणिपुर की स्थिति में कोई अंतर नहीं है अभी तक, जैसे सबको तो लग रहा होगा कि सब ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 1 तारीख और 2 तारीख कल और 1 और 2 तारीख में मणिपुर सरकार के तरफ से कुछ अत्याचार हुए हैं, जहाँ तेंगनोपाल डिस्ट्रिक्ट मोरे और सिनम विलेज है, वहाँ पे सिनम विलेज तेंगनोपाल डिस्ट्रिक्ट और मोरे पे कई सारी दुर्घटना हुई है, जिसकी वजह से वहाँ की जनजातियाँ जो है वहाँ से भाग गए है। और वहाँ भी हमारी माताएं हमारी बहनें और छोटे बच्चे हैं सब अभी जंगल पे रह रहे हैं। कुछ लोग कल ही रात कुछ माताएं और उनके बच्चे जो है जंगल के रास्ते पे सो रहे हैं। उसी के साथ साथ कमांडो स्टेट फोर्स और कमांडोस और पुलिस मणिपुर पुलिस वो रेडिकल ग्रुप के साथ पे जो तेंगनोपाल में जाके वहाँ पे वो लोग ने आतंक मचा के रखी है, जिसकी वजह से कई लोग अपने घर चाहे वहाँ के लोगों ने इतना कुछ नहीं किया है लेकिन उन्हें घर से भागना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से न्याय की बातें चल रही थी तो हमें हमारी तरफ से हमारे लिए कुकी जो कम्युनिटी के लिए जो न्याय मिल रही है वहाँ हमें ना ही न्याय ही मिल रही है, लेकिन एक सेलेक्टिव जस्टिस के रूप में वो लोग मेईतई कम्युनिटी के तरफ से मेईतई कम्युनिटी के लोगों के लिए ही जस्टिस चल रही है। अभी हमारी तरफ से जो हम अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, अपने बहनों के लिए जिनके साथ अत्याचार हुआ है, हमारे घर गाँव सबके लिए करीब 200 विलेजेस पूरी तरह से खत्म हो गए हैं और 150 लोग की मृत्यु हो गई है अभी तक, लेकिन इसके बारे में ना तो स्टेट गवर्नमेंट ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई न्याय के बारे में बातें नहीं मिल रही है। तो मैं कहना चाहूँगी कि मणिपुर की दुर्घटना जो है अभी तक खत्म नहीं हुई है। जिस तरह से मानव अधिकार का उल्लंघन और अत्याचार चल रहा है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ आपके हिसाब से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री कहते हैं बीरेन्द्र सिंह के द्वारा कहा गया था कि सब कुछ सामान्य हो गया है, पुरानी वाली बात नहीं रही। चाहे गृह मंत्री की बात कर ले वो भी कहते हैं कि पुरानी जैसी हालात नहीं रही है, अब सब कुछ सामान्य हो गई है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारी कुकी जो कम्युनिटी की तरफ से कोई सामान्य नहीं है अभी तक। आप यहाँ पे जो हमारी दीदी खड़ी है इनके गाँव जहाँ रहती है उनके गाँव के लोगों के ऊपर में कल ही रात दुर्घटना हुई थी, जहाँ पे स्टेट कमांडो स्टेट फोर्स उसी के साथ साथ रेडिकल ग्रुप्स है वहाँ पे जाके उन्होंने सारे घर के दरवाजे तोड़ दिए, जिसकी वजह से हमारे बहनें और हमारे माता और पिता अभी हॉस्पिटलाइज है वहाँ पे जिससे इस दुर्घटना की वजह से। आज सुबह हमने जो घर से जो मोरे टाउन हमारे टेक्नोपोर डिस्ट्रिक्ट की जो मोरे टाउन है अभी अंडर अटैक है। इस बार का जो अटैक है यूनिफॉर्म पर है, जैसे कि कमांडोज के अंदर जो मिलिटेंट्स है मेजी लिपुर और अमर टेंगोर वो लोग कमांडोज के यूनिफॉर्म पहन के अभी ऐसे अटैक करने का तरीका चेंज हो गया। पहले तो हमें मार के भागा के ऐसे किया था, अभी इन लोग का अटैक का तरीका
ये है कि वो पूरा लॉ एंड ऑर्डर की तरफ जाता है घर पे जाके बिना परमिशन यूनिफॉर्म के बिना परमिशन किसी हमारे घर में घुस के मारा मारी करके सारा सामान कहाँ पैसा है कहाँ सोना है सारा सामान लूट रहा है अभी वो भी घर वालों के सामने तो और ये चल रहा है और जो धमकी भी दे रहे हैं कि हमारे लड़कियों को बलात्कार करेंगे और अगर जो भी आदमी उनके सामने उनको मारने के लिए धमकी दे रहे हैं तो उन लोगों को अपना जान बचाने के लिए अभी जंगल में छुपना पड़ रहा है। तो अभी ऐसा स्थिति हो गया कि वहाँ पे कि इंसानियत जो है अभी इंसानियत का जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर तक है नहीं अभी भी कोई शांति नहीं है वहाँ पे। अभी इन लोगों का जो अटैक करने का तरीका है वो अलग है, वो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे अभी वो अटैक कर रहे हैं। कोई भी वहाँ पे पीस नहीं है, हिंसा चल रहा है अभी भी मणिपुर में, हिंसा चल रही है। तो ये मणिपुर के तमाम लोग हैं जो आज दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार अपनी मांगों को लेके यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तमाम कुकी कम्युनिटी के मित्र, कुकी कम्युनिटी के लोग हैं जो आज दिन लगातार मणिपुर को लेके यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन सरकार और मीडिया के द्वारा जो मणिपुर को लेके अभी दिखाया जा रहा है वर्तमान में, इस प्रकार की स्थिति नहीं दिखाई जा रही है। मीडिया के द्वारा और सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि मणिपुर की स्थिति सामान्य होगी, लेकिन आप यथार्थ के धरातल पर जब मणिपुर के लोगों से आप जो मणिपुर के आम जनमानस है उनकी बात आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि मणिपुर की स्थिति अभी भी उसी प्रकार है जिस प्रकार पहले हुआ करती थी। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। धन्यवाद।